नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां पर महाशिवरात्रि के दिन भक्तों की भीड़ मंदिरों में देखने को मिली है। तो देशभर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। बता दें कि हसदेव नदी के किनारे पीथमपुर गांव में भी बाबा कालेश्वरनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। यहां मान्यता है कि जो कोई भी भक्त यहां पर सच्चे मन से बाबा कालेश्वरनाथ मंदिर पहुंचता है, बाबा कालेश्वरनाथ उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। जानकारी के मुताबिक कालेश्वरनाथ मंदिर की स्थापना जांजगीर चांपा के जिम्मेदारों ने की थी। उस वक्त इस इलाके में घनघोर जंगल हुआ करता था। कहा जाता है कि जमींदार से खुद भगवान शिव ने मंदिर की स्थापना करवाई थी। ये भी कहा जाता है कि कालांतर में जांजगीर चांपा जमींदार को पेट की बीमारी थी और वैद्य से उपचार कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। वह हताश होकर जंगल में चले गए और निराश बैठे जमींदार को तलाश करने पर पीतमपुर में इसी जगह स्वयंभू शिवलिंग निकला। जैसे ही शिवलिंग निकला, जमींदार को बीमारी से निजात मिल गई और तब जमींदार ने यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर बनवाया था। दिनों बात कर लेते हैं बिहार के पटना की, जहां बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने लालू परिवार पर निशाना साधा है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने परिवारवाद को लेकर लालू यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव के परिवारवाद के नमूने को बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है। उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। गिरिराज ने सवाल पूछा कि क्या कोई यादव परिवार से बिहार में नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर कहा है तो वही सच कहा है जो 90 के दशक में बिहार के लोग, बिहार के युवा पलायन किए, ये कटु सत्य है। और सौभाग्य है कि नीतीश कुमार आ गए बीजेपी के साथ, नहीं तो आने वाले दिन में तेजस्वी जी होते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धकिया करके हटाते और फिर सुपर जंगल राज यहाँ हो। बात हरियाणा के यमुनानगर की कर लेते हैं। बता दें कि मनोहर सरकार ने हरियाणा को बड़ी सौगात दी है। मनोहर सरकार की तरफ से हरियाणा को 4,200 करोड़ की बड़ी सौगात दी गई है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को बड़ी सौगात दी। हरियाणा में 4,200 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, जिसके तहत यमुनानगर में 66,56,00,000 की लागत से 20 परियोजनाओं का तोहफा यमुनानगर को मिला है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य में बिना किसी भेदभाव के सरकार एक समान विकास का काम करवा रही है। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का भी दावा किया है। आज 3600 करोड़ रुपए के जो विकास कार्यों के उद्घाटन थे वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए और एक नई योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, जिसमें 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो कि जिन लोगों की आमदनी 1,00,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवार के एक सदस्य को 1,000 किलोमीटर तक की यात्रा की छूट उसमें देगी। लगभग इसमें 600 करोड़ रुपये खर्च होंगे, तो कुल मिला के 4,200 करोड़ रुपये की जो योजना है उनकी आज शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, और खासकर जो सरोवर का है जिसमें आज काफ़ी बड़ी संख्या में, खासकर हमारे जिले में तो काफ़ी बड़ी संख्या में आ जाए, तो ये जो थे तालाब जो थे ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का निर्णय लिया और उसके बाद केंद्र से भी एक स्कीम इस प्रकार की आई अमृत सरोवर की, तो उस पर जो काम किया आज, जैसा माननीय मुख्यमंत्री ने बताया कि 1,700 सरोवर ऐसे हैं जिनको हमने ठीक किया। आज नूह की कर लेते हैं, जहां नूह में पेपर में नकल मामले को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। इस कड़ी में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मामले की पूरी जानकारी ली है। तो हरियाणा के नूह में नकल का वीडियो जमकर वायरल हुआ, जहां तावड़ू इलाके के
चंद्रावती स्कूल में दसवीं के पेपर में नकल पर अब हरियाणा सरकार सख्त नजर आ रही है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने घटना का संज्ञान लिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से मामले को लेकर फोन पर जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब नकल के मामले में लगभग खत्म हो चुके हैं। एक मामला सामने आया है जिसको लेकर उपायुक्त और SP से बात भी कर ली गई है। मुख्य रूप से पूरे हरियाणा में कहीं भी इस प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं है, केवल एक स्कूल की कंप्लेंट इस प्रकार की आई है जैसा आपने कहा है। मेरी अभी चेयरमैन साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि उस टाइम पुलिस फोर्स वहाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, इसलिए कुछ लोगों ने शरारतें की हैं और उन्होंने DC साहब को भी SP साहब को भी उसके लिए निवेदन किया है कि वहाँ पूरी पुलिस फोर्स ठीक टाइम पर पहुँचे और कल स्वयं चेयरमैन साहब भी नू जिले में ही होंगे और इस प्रकार की किसी को परमिशन नहीं दी जाएगी कि कोई इस प्रकार के करे। और ये लगभग इस टाइम हरियाणा में नकल के जो केस हैं लगभग में बात कर लेते हैं हरियाणा के पिहोवा की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो पिहोवा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लखपति दीदी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए लखपति दीदी कार्यक्रम चला रहे हैं और इस योजना के तहत देश के ग्रामीण वर्ग की ऐसी महिलाएं जो खुद रोजगार स्थापित करना चाहती हैं उन्हें सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कोलकाता से जुड़े और माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा से करनाल से जुड़े, मैं दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को 2014 में इनवाइट किया था और पानीपत के वहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। उसके बाद आज भी माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने कोलकाता से जब आज लाइव जुड़े तो उसमें भी ये कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमने नारा दिया उसको लगातार बढ़ा रहे हैं और तकरीबन 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं और आगे कंटिन्यू चल रही हैं। और कोलकाता का भी रेशो उन्होंने बताया कि 16 लाख महिलाएं जो लखपति बन चुकी हैं, तो कंटिन्यूसली बिना किसी गारंटी के आप जो है केंद्र की स्कीम्स हैं आप लोन ले सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और भी काफ़ी ऐसे जो उन्होंने चीज़ें। में बात कर लेते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण की, जहां पर पश्चिमी चंपारण के चनपटिया चीनी मिल बंद पड़ी है जिससे अब कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो पश्चिमी चंपारण की चनपटिया स्थित चीनी मिल 1994 से बंद पड़ी है, जिसे शुरू कराने के लिए चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं लेकिन अभी तक चीनी मिल शुरू नहीं हो सकी है। बता दें कि आज़ादी से पहले से ही चनपटिया चीनी मिल स्थापित की गई थी जो बाद में किसानों के लिए किसी उपहार से कम नहीं थी, लेकिन 1994 से ये मिल बंद हो गई थी। जहां वर्तमान सांसद संजय जायसवाल ने भी चीनी मिल चलाने की बात की थी लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात रहा। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये चीनी मिल कब तक शुरू हो पाती है। कुछ दिन पहले कपेटी से चला था, अच्छा, बाद में बंद हो गया तो ये लिक्विडेशन में चला गया। अच्छा, तब से कोई कितना लोग आया गया लेकिन अच्छा, सूर्या मिल का एक लगा है बोर्ड, आखिर वो क्या है? मोतिहारी का पार्टी है, तो आया था चलाने तो क्या हुआ? उन्हीं को मिल मिला था। अच्छा, 2002 में तो बोले कि हम चलाएंगे और आज तक सक्षम नहीं हुए। क्या नाम है आपका? हमारा अनुल मियां नाम है। कब से काम करते हैं इसमें? हम लोग तो पहले ही से काम करते हैं, लगभग 94 में जब बंद हुआ। जिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने SBI के मेन गेट पर इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर हंगामा किया। तो कुरुक्षेत्र में रेलवे रोड पर SBI की मेन ब्रांच के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए राजनीतिक पार्टियों को इलेक्ट्रोल बॉन्ड से मिलने वाले चंदे के बारे में जानकारी साझा करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए कोर्ट ने 6 मार्च को तक का समय बैंक को दिया था लेकिन SBI ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर अनुरोध किया कि उन्हें इसके लिए 30 जून तक का समय दिया जाए। अब कांग्रेस ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के बाद SBI अपनी रिपोर्ट देगा, जो कि सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI बैंक को
आदेश दिए थे कि 5 मार्च तक इलेक्ट्रिकल बॉन्ड किस किस पार्टी के किस किस बैंक के खातों में कितना कितना धन आया है ये सार्वजनिक तौर पर बताने के लिए आदेश दिए थे। कल 5 मार्च तो SBI बैंक ने 4 महीने का टाइम मांगकर ये कहा कि अभी हम जानकारी नहीं दे सकते। 4 महीने तक MP के इलेक्शन हो जाएंगे, अगर ये साबित हो जाता कि किसके खातों में कितने बॉन्ड गए हैं किस पार्टी के खाते में तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। और अमित शाह और मोदी जी ये नहीं चाहते कि ये सार्वजनिक हो। में बात कर लेते हैं बिहार के पटना की। यहां पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। तो पटना में SBI के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल देखने को मिला, जहां गांधी मैदान में SBI की मेन ब्रांच के सामने कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के फेवर में है, SBI मामले पर टाला मटोली का रवैया अपना रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन के कारण मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए, लेकिन कुछ देर के लिए इलाके में जाम की स्थिति बनी हुई थी, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार SBI के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। बात हरियाणा के पानीपत की कर लेते हैं, जहां आसाराम के समर्थकों ने आसाराम की रिहाई को लेकर प्रदर्शन किया है। तो हरियाणा के पानीपत में आसाराम के समर्थकों ने प्रदर्शन किया, जहां आसाराम को जमानत देने की मांग की गई है। प्रदर्शन करते सैकड़ों समर्थक लघु सचिवालय पहुंचे, जहां समर्थकों का कहना है कि वो पिछले 11 साल से लगातार सरकार तक ज्ञापन पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज तक आसाराम को पैरोल नहीं मिल सकी है। समर्थकों का कहना है कि हिंदुस्तान में बड़े बड़े अपराधियों को जमानत मिल जाती है तो फिर उनके गुरु को जमानत क्यों नहीं मिली है। समर्थकों ने आसाराम के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा कि उनके गुरु का स्वास्थ्य चिंताजनक है, उन्हें इलाज की जरूरत है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। देखिए, वजह तो हम क्या बताएं आपको, जब हमें सामने दिख रहा है एक ही केस में एक को बेल दे दी जाती है और दूसरों को बेल नहीं दे रहे, ये तो आप करिए इसकी जांच, कौन है इसके पीछे, क्यों 11.5 साल से हमारे बापूजी को हमारे सदगुरु भगवान को बेल क्यों नहीं दी जा रही। इस स्वास्थ्य की इतनी बुरी कंडीशन होने के बावजूद भी उनको बेल नहीं दी जा रही, क्या है ये, हम लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा। इसकी तो एक न्याय इसका एक CBI जांच हो। हम तो ये मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज रिटायर 5 जज इकट्ठे हों और उनकी एक कमेटी बनाई जाए और वो जांच का विषय है, इसको जांच की जाए, क्या हमारे अपने अंदर के हैं या बाहर के हैं हम नहीं जानते, लेकिन हमारे बापूजी को हमारे से दूर रखा गया जो अभी बर्दाश्त के बाहर हो गया, अति हो गई है। देखिए, आखिरी में बात हरियाणा के यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इस बीच पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया है। तो यमुनानगर में ट्रैफिक पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। इस कड़ी में ट्रैफिक थाना प्रभारी रामपाल ने मॉडल टाउन में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी भी दी गई, साथ ही ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों लोगों के खिलाफ चालान भी काटे गए। हाँ, ये जो बुलेट मोटरसाइकिल वाले हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मॉडल टाउन के अंदर पटाखे मार रहे हैं और ये अपनी जाम तो जोखिम में डाल रहे हैं प्लस दूसरों की भी जाम जोखिम में डाल रहे हैं ये लोग। तो आज किस तरह के चलान किए गए? आज चलान कर रहे हैं हम, जैसे ड्रिंक एंड ड्राइविंग का अगर कोई मिलता है उसका भी कर देते हैं, बुलेट का भी। और हमारा चलान करना उद्देश्य नहीं है, हमारे को इनको ट्रैफिक रूल फॉलो करने का ये मकसद है हमारा, भाई ट्रैफिक रूल फॉलो करें। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ABC स्टार न्यूज़।